हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआरके फैमिली ब्लॉग। तो चलिए, सुबह के बज गए 10 और मैं और दिव्या के पापा देखिए बाइक निकाल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी पीने के लिए गांव में। तो चलिए चलते हैं नारियल पानी पीने। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट कैसे बनाई जाती है, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है बोट की डाई। पहले तो बोट की लकड़ी में फ्रेम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फाइबर का कोटिंग करते हैं, और फाइबर का कोटिंग भी 1.5-2 इंच मोटा रहता है। और आप सामने देख सकते हो कि बोट, ये भी बोट तैयार है। देखिए सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं नारियल पानी पीने के लिए, और थोड़ा सा शॉपिंग करना है तो कर लेंगे। शॉपिंग बोले तो मौके से लोग भेजे थे वो सारे टूट गए। तो जा के चलो सामने जाते हैं, नए कप ले लेते हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं अच्छे। बाकी तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पे डी मार्ट होता तो हम चले जाते, पर यहाँ से डी मार्ट 58 किलोमीटर। अभी मैं खोलूँगा तो डी मार्ट खुलेगा यहाँ पे मैडम के लिए। मैडम को तो मतलब गाँव खेड़ा में डी मार्ट चाहिए, रिलायंस मॉल चाहिए। हाँ तो यहाँ पे भी खुल जाए ना तो बहुत पब्लिक की भीड़ बहुत मिलेगी। मैडम को रिलायंस मॉल, ऑग्रो मॉल जो बोल दो वो यहाँ पे सब हाजिर चाहिए। डी मार्ट यहाँ पे भी बस गर्मी में अंदर घुस जाएंगे ऐसी। चलिए चलते हैं गांव में ही याद आ जाता है मंगरोल गांव इमली चौक। और हम लोग रहते हैं मंगरोल बंदर पे, और बंदर से इमली चौक तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। हम लोग पहुंच गए हैं मांगरोर बाज़ार में। तो देखिए यहाँ पे भी कपड़े और क्या सब मिल जाएगा, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। कुछ दुकानें खुली नहीं है, सब 11 बजे के बाद ही खुलती है। 11 बजे के बाद यहाँ पे खुल रही है। और यहाँ पे भी देखिए पूरी गाठिया पापड़ी कपड़े बासन वगैरह सब बहुत सारी वस्तु मिल रही है। तो अभी हम लोग एकदम अंदर पहुंच गए हैं नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि नारियल पानी तो अंदर ही मिल रहा है एकदम। आधा पहुंचे, आधा बाकी है। अच्छा, अभी तो आधा ही पहुंचे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है बाजार का। तो देख रहे दोनों साइड दुकानें हैं, बर्तन है, कपड़े की दुकान है। ये वाली गली और पोरबंदर में भी सेम ऐसे ही गली है ना दोनों साइड। हाँ, सुदामा चौक वाली गली मतलब दोनों ऐसा ही है। तो शायद पोरबंदर तो जाने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं, अपन जाने वाले हैं तो वहाँ की गलियों भी आप लोग को दिखाएंगे, गली गलियारे दिखाएंगे। अंदर पहुंच गए हैं, एकदम अंदर पहुंच गए ना मेन मार्केट में। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब मिल रहा है, भाजी तरकारी सब यहाँ पे भी मिल रहा है फ्रेंड्स। देखिए तो हम लोग पहुंच गए नारियल पानी पीने के लिए। तो चलिए चलते हैं, नारियल पानी वाला भाई भी आ गया है। नारियल पानी हमारा रेडी हो रहा है, और यहाँ पे नारियल पानी का प्राइस है 30-40 रुपीज़ और 25 रुपीज़। तो मलाई वालू नारियल पानी पी रहे हैं। तो कैसा है, अच्छा है, स्वीट है? फ्रेंड्स आप लोग भी मांगरोर बंदर आओ तो यहाँ से नारियल पानी पीना, बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड में पिया जा रहा है, एकदम स्पीड में मलाई भी बहुत सारी निकल रही है एक नारियल पानी में, तो वो भी खाने में मजा आ रहा है ना। देखिए नारियल और मलाई,
खोपरा खाने में मजा आता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, क्योंकि कपड़ा का भी तो हमें नहीं मिली, बहुत धुंधी धुंध धुंध के हम थक गए, पर जैसे चाहिए थी वैसे हमें नहीं मिली, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। और दोपहर को हम लोग होटल में जाने हैं लंच के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ गए कावेरी रेस्टोरेंट में। यहाँ का गुजराती थाली तो पूरे मांगरोल में वर्ल्ड फेमस है, और खाने के लिए स्पेशल गेस्ट आए हैं वेदिका और दिव्या भाई। देखो गोगल चढ़ा के एकदम हीरो स्टाइल में, और कैशियर हम दिखा देते हैं आज की स्पॉन्सर कैशियर मैडम। और हम तो मजदूर आदमी है खाने वाले, तो खाना कैसे है, खाना खा के जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी थाली लग चुकी है, हमने दो थाली ली है मैंने और दिव्या के पापा ने, और ये दोनों कुछ नया कुछ खाने वाले हैं। तो यहाँ पे है देखिए भिंडी मसाला है, फिर अड़द की दाल है और आलू की सूखी भाजी। तो चलिए हमारी थाली लग चुकी है, हम लोग टेस्ट करते हैं कैसे करते हैं, आप लोग कैसे शेयर करें। अभी गर्मा गर्म फुल्का रोटी भी आएगी ना। आ गई दाल, तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म दाल आ गई है। तो चलिए अभी फुल्का रोटी आती है, फिर जोरों शोरों से भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। और ये दोनों का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, क्या हुआ तुम्हारा, हो गया? तो क्या मंगाया आप लोग ने? ओके पनीर पटियाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थाली लग चुकी है और हम लोग खाने खाने बैठ गए हैं। यहाँ पे भिंडा बहुत टेस्टी है, भिंडा शाक बहुत मस्त है ना, गर्मा गर्म फुलके भी आते हैं। तो चलिए यहाँ का खाना बहुत मस्त है। अभी दिव्या लोग के लिए क्या खाना आता है, वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए संभारे का पकवान भी आ गया है, गोभी है, नींबू, कांदा और ये गाजर बीट वगैरह का, आम वगैरह का सलाद है, और मैंने लिया है कांदा का पनीर पटियाला और तंदूर रोटी आ गया है फर्स्ट क्लास, और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी ये दोनों भाई बहन अभी ये खाने वाले हैं पनीर पटियाला, और हम लोग खा रहे हैं थाली, थाली तो एक नंबर है। इसमें भिंडा बहुत भिंडा है, आलू की सब्जी है, फिर अरद है। तो थाली का मैं तो रेटिंग रखूँगा 100 में से 100। फ्रेंड्स खाना बहुत ही बढ़िया था, और इन्होंने जो पनीर पटियाला मंगाया था वो भी एक नंबर बढ़िया था, और इतना खाया कि अभी हिलने की जगह नहीं है। इतना खाया देख लीजिए, गोल मटल हो गया है डुमड़ा। अभी सीधा जाएंगे घर पे, चद्दर बिछाएंगे और सो जाएंगे। और आप लोग भी मांगरोल में आइए ना, तो यहाँ पे कावेरी में जरूर आइए, बहुत ही प्यारा खाना है। तो आप लोग को कैसा लगा, बहुत मस्त। तो अभी चलिए चलते हैं घर पे जाके सो जाएंगे 2-3 घंटे, फिर शाम को उठेंगे। तो हमारी रिक्शा भी तैयारी है देखे उधर।